मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले मेडिकल टीचर्स और चिकित्सा शिक्षा विभाग के दूसरे कर्मचारी इन दिनों अपनी पेंशन राशि को लेकर डरे हुए हैं। इनका डर वाजिब भी है, क्योंकि इनकी पेंशन की राशि जिस पेंशन अकाउंट में जमा होनी थी वो अब तक खुली ही नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों के करीब 2300 मेडिकल टीचर्स के सामने दुविधा है कि उनकी बेसिक सैलरी से हर महीने 10% राशि काटी जाती है और इतनी ही राशि सरकार जमा करवाती है। नियम के मुताबिक ये राशि पेंशन अकाउंट में जमा होनी चाहिए, लेकिन दुविधा ये है कि मेडिकल टीचर्स का अब तक पेंशन खाता ही नहीं खुल सका है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि ये दुविधा आखिर क्यों पैदा हुई है। दरअसल 2005 में सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम बनाई थी। इसके तहत शासकीय कर्मियों का पेंशन खाता खोला जाता है और उसका प्राण नंबर कर्मचारी को दिया जाता है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2018 में आदेश निकालकर कर्मचारियों और मेडिकल टीचर्स के लिए नियम लागू कर दिया था। तब से लेकर अब तक मेडिकल कॉलेजों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को प्राण नंबर उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। इससे 2300 मेडिकल टीचर्स के अलावा हजारों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी यह है कि आज दिनांक तक हमारे NPS के कोई अकाउंट नहीं है और ना ही हमारा कोई प्राण नंबर हमको दिया गया है, जो कि NPS अकाउंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बात सच है कि हमारा पैसा जो है वो NPS के नाम पर काटा जा रहा है, और ये पैसा हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम चला है कि ये पैसा FD जो डीन का अकाउंट है उसमें जमा किया गया है। और नियमों के मुताबिक ये पूरी तरह से गलत है कि हमारा NPS का पैसा जो हमारा खुद का है वो FD में कैसे जा सकता है। या तो वो NPS के अकाउंट में जमा हो या वो हमारी सैलरी में हो, और इवन हमको जो हमारा इनकम टैक्स जो डिडक्शन होता है उसमें भी ये शो कर रहे हैं कि NPS में आपका पैसा जमा हो रहा है, पर हमें जो स्लिप मिल रही है उसके अनुसार हमारा NPS का कोई अकाउंट ही नहीं है, तो पैसा कैसे जाएगा। कोरोना की दोनों लहरों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी शहीद हुए। ऐसे में उनके परिजनों के सामने समस्या आ रही है कि पेंशन खाते में राशि ही जमा नहीं हुई तो लाभ कैसे मिले। ऐसी ही एक शिकायत इंदौर के डॉक्टर पूनम रायकवार की है, जिनके पति डॉक्टर रामशंकर रायकवार की अप्रैल 2021 में कोरोना से मौत हो गई थी। वो गांधी मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर थे। अब पत्नी पूनम रायकवार मांग कर रही है कि NPS समेत जो भी राशि सरकार के पास जमा है वो जल्द से जल्द दे, ताकि बच्चों के भविष्य के काम आ सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम रायकवार, मैं कोरोना योद्धा स्वर्गीय डॉक्टर रामशरण रायकवार की वाइफ हूँ। मैं जो है मध्य प्रदेश शासन MGM मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश का धन्यवाद करना चाहती हूँ। करुणा राशि, करुणा योद्धा सम्मान राशि 50 लाख की राशि जो है मुझे प्राप्त हो गई है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन का, NGM मेडिकल कॉलेज का और मेडिकल टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रांशु एंड त्रिशांक, जिनका पालन पोषण मुझे अकेले ही करना है और मुझे अकेले ही सब कुछ देखना है, मेरा परिवार। तो मैं मध्य प्रदेश शासन, MGM मेडिकल कॉलेज और मेडिकल टीचर एसोसिएशन से निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया करके जो मेरे डॉक्टर साहब की, जो मेरे हस्बैंड की NPA राशि, मेडिकल रीएम्बर्समेंट की राशि और जो है उनके ऑन लीव की राशि, उनकी ग्रेजुटी और भी 2-3 राशियां अभी मध्य प्रदेश शासन को देना बाकी है, तो कृपया करके जल्द से जल्द मुझे प्रदान करें, जल्द से जल्द देने की कृपा करें। मेरा निवेदन है कि अगर ये आप जल्द कर देंगे तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं।
हालांकि इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मेडिकल टीचर्स को भरोसा दिलाया है और उनसे कहा है कि उनका पैसा कहीं नहीं गया। सिर्फ पेंशन खाता नहीं खुला था, लेकिन उन्होंने जल्द से जल्द प्राण नंबर उपलब्ध करवाने और पेंशन खाते में राशि डालने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन की राशि मेडिकल कॉलेज के खाते में जमा है और सुरक्षित है, लिहाजा किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमने तो इस पूरे मामले का युक्तियुक्तकरण किया है, और क्योंकि ये जो पेंशन स्कीम है वो सुचारू रूप से लागू हो और उसका लाभ हमारे हर अधिकारी कर्मचारी को मिले, इसलिए मैंने ही इनिशिएट किया। और जहाँ तक बात आ रही है, पैसा इधर उधर नहीं हुआ, पैसा तो स्वशासी के खाते में जमा है, सरकार के पास ही है, मेडिकल कॉलेज के पास है, उसका ब्याज भी मिल रहा है। मुझे आश्चर्य है कि बिना तथ्य के क्यों बातचीत की जा रही है। ये जरूर है कि पेंशन की जो पूरी स्कीम को लागू करना था उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई। अब कांग्रेस कर रही तो कांग्रेस से ये तो पूछिए, 15 महीने वो सरकार में थे, उस समय उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। अब मैंने तो आके ये किया, हमने तो आकर इस व्यवस्था को सुचारू किया है। यदि कांग्रेस बातें कर रही है और इल्ज़ाम लगा रही है तो ये भी तो बताए कि 15 महीने उनकी सरकार थी, उस समय क्यों नहीं किया उन्होंने। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और इसे घोटाला करार दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन डॉक्टरों ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई, अब उनके हक की राशि पर विवाद हो रहा है। कायदे से मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग में 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। 2005 में अनिवार्य रूप से नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिसके अंदर मूल कर्मचारी के वेतन से 10% और 10% जो है वो सरकार को अपने हिस्से के रूप में उस स्कीम में जमा करना थी, जो बाद में सेवानिवृत्ति के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पेंशन के रूप में मिलना थी। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो मेडिकल टीचर्स प्रदेश में 3000 हैं, 27 करोड़ रुपए राशि प्रतिवर्ष कटी और वह उसके लिए खाता ही नहीं खोला गया। वो राशि किस्मत में जमा हुई, कहाँ जमा हुई, इसका कोई हिसाब नहीं दे रहा। इस प्रकार से 54 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह पूरा मामला करीब 200 करोड़ का बनता है और बड़ी आश्चर्य की बात है कि इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री बेतु का बयान दे रहे हैं कि मामले की जांच कराएंगे, इसकी जानकारी नहीं किसी को। और जो मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की एसोसिएशन, वो प्रधानमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखकर इसकी जाँच की मांग की है, चूंकि ये बहुत बड़ा मामला है। डॉक्टर्स जिनने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है, उन कई डॉक्टरों की कोरोना में मौत हो गई, लेकिन उन्हें इस पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिला। बहरहाल पेंशन पर विवाद तो बना ही हुआ है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि 2018 को जारी आदेश के 3 साल बाद ही सही, लेकिन कम से कम पेंशन खाता खोल दिया जाए, जिससे डॉक्टरों को भविष्य की चिंता नहीं सताए। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।